बोलो श्री अम्बे माता जी की जय। महंगे वाले प्रिंगल्स खाए जा रहे हैं यहाँ पे। खाएंगे नहीं, मेरे पैसे का है तो मैं खाऊंगी, ठीक है। किसी जमाने में ये लोग 5 रुपए वाला केला वेफर खाते थे, इसमें क्या हुआ? हम 200 रुपए वाले वेफर्स का या 5 रुपए वाले वेफर का, वेफर तो वेफर ही होता है। थैंक यू सो मच मुझे ये वेफर देने के लिए, कितने दिनों के बाद मैं ये खा रहा हूँ। तो खा ना भाई। मैं ये पूरा डब्बा दे रही हूँ आपको। हाँ पता है, खा ली है। नहीं देख देख भैया कितना सारा है वेफर। बोला ना खा ली है, ज्यादा कॉमेडी मत कर, ठीक है। तो अभी है हम लोग पेट्रोल पंप पे, हमने तो अपना वेफर खा लिया लेकिन हमारी गाड़ी को भी खाना चाहिए ना, इसलिए हम लोग है ना डीजल भरवा रहे हैं ना खुशबू। हाँ एक बात बताऊँ भैया। बोल। हाँ मैं ना अपना खाना तो थोड़ा सस्ते में खा लेते हैं। हाँ पर है ना हमारी गाड़ी को है ना महंगी खाना खिलाना पड़ता है। हाँ सही बात, 10-12 हजार का तो खिलाना ही पड़ता है ना। हाँ ये तो लाल वाले हैं। हाँ। 50 देवा। 50। 50। खुशबू लाल वाले अमरूद खाने की व्हाइट वाले? व्हाइट वाले। हमने व्हाइट वाला 1 किलो ले लिया है और 1 किलो है ना लाल वाला ले लिया, ठीक है। लाल पिंक हाँ, होता है भैया। हाँ मतलब पिंक वाला, लाल जैसा ही दिख रहा है मुझे। हाँ, ठीक है ना। चलेगा। खुशबू टेस्ट करके बता ना कैसा है, मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी है। गांव जाने से पहले ना गाइस हमने ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बनवा दी है, लेकिन एक चीज ना हम लोग बनवाना जो है वो भूल चुके हैं, वो है ये कांच। ये कांच है ना गाइस नीचे हो ही नहीं रहा है, मीन्स खुल ही नहीं रहा है ना, यही खुल रहा है ना यही खुल रहा है, सिर्फ आगे के ही 2 खुल रहे हैं जहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी सी हवा आ रही है, लेकिन क्या करे इससे चलाना पड़ेगा। पापा एक चीज बताइए, मम्मी आज कैसी लग रही है आपको? बहुत बढ़िया। पहली बार तारीफ कर रहे हैं मम्मी, हंस दो थोड़ा। हमारी गाड़ी चले हुए 1 घंटे भी नहीं हुआ है और देखो हमारी मम्मी को। गाइस मम्मी आपने क्या बोला था, मैं आगे बैठूंगी और जगूंगी और पापा का ना साथ दूंगी, उनको हंसाऊंगी। दे रही हूँ। हाँ दिख रहा है कितना अच्छा दे रही हो साथ सो सो के। रात में जगी थी इसलिए नींद आ गया। रात को सब जगे थे मम्मी, मैं ज्यादा जगी। तो ना पापा के हिस्से का नींद ना मम्मी ले रही है। अच्छा हुआ अच्छा हुआ, सारा बैग ना तुम्हारे ऊपर गिरना चाहिए। अरे यार ना पहले ये हटाओ। अरे वो मेरा पर्स नहीं है, वो मम्मी का पर्स है। मम्मी का पर्स मम्मी के पास होना चाहिए ना, तो वो पीछे पड़ा हुआ है। मम्मी ले लो अपना पर्स, खुशबू ने तो इधर अपना पर्स टांग दिया है ना। हाँ। फाइल तू क्या कर रही है? अरे मैं सारा सामान अंदर डाल रही हूँ, गिर रहा है वो सारा। ठीक है खुशबू, मम्मी पापा जो है वो गाना गा रहे हैं बहुत ही बेसुरे आवाज में, जिसकी वजह से मेरा जो है सर जो है वो दुख रहा है। प्लीज तुम लोग बंद करो अपनी अंताक्षरी। नहीं इससे ही तो हमारा टाइम पास होगा। नहीं टाइम पास तुम लोग एक काम करो, सो सो के ही कर लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जगोगे। नहीं हमें ना गाना ही है क्योंकि हमें सोना तो रात को है। अच्छा ठीक है गाइए पापा रह से। पापा को आता ही नहीं है, सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं आ रहा है आ रहा है। पापा गाइए। नहीं आता। लाल दुपट्टा लॉ से, लाल दुपट्टा लॉ से होता है, रॉ से बोल रहे हैं। अरे वो रब्बा जी की चाल देखो, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊ जो मैं आगे पेट्रोल पंप पे जाना है खुशबू वॉशरूम। चालू ही नहीं है पेट्रोल पंप। जा चली जा, चालू है जा। चालू है, रुकिए ना पापा। फ्री होता है वॉशरूम यूज कर सकते हैं पेट्रोल पंप का। इसमें क्या शूज पहन रही है? ले मेरे चप्पल। ले चप्पल पहन के जा। नहीं मम्मी बोलना इसको फटाफट से जाके आए, मुझे भी बहुत ही जोर से लगी है। पाल तू भी जा रही है? हाँ। पापा आप हैं गाड़ी में? आप हैं? मैं हूँ गाड़ी में। तो मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है चलो चलो। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, भैया है ना लेडीज वॉशरूम में चला गया था। ये बात बताने की किसी को जरूरत नहीं थी, हमें चला गया, मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ पे ना लेडीज वॉशरूम है और वहाँ पे जेंट्स वॉशरूम है, मुझे जो दिखा उसमें मैं चला गया। और वैसे भी उसमें ना कोई लेडीज थी नहीं है ना। हाँ ये बात तो सही है, वॉशरूम तो वॉशरूम होता है। यस पर मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर देना, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, देख के फिर ही जाऊंगा।
कंधे के ऊपर सो गई है और इसका चेहरा इतना बड़ा है ना कि मेरा कंधा दुखा दिया है इसने, लेकिन मेरी प्यारी बहन है तो थोड़ा तो दर्द मुझे सहना पड़ेगा, चलेगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग ना खाना खाने वाले हैं। हम सुबह से जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी सी जगह मिले पेड़ के नीचे हम बैठकर खा सके, लेकिन वैसी जगह कहीं मिली नहीं रही है। हमें तो कहीं पेड़ नहीं मिला जहाँ पे हम लोग बैठकर आराम से खा सकते हैं, लेकिन हमें ये कुछ ऐसी सी जगह मिल चुकी है जहाँ पर अभी हम लोग बैठ कर यहाँ पे नीचे खाएंगे खाना। ये कितने घंटों के बाद हमारे पेट में खाना जाने वाला है। यस, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया ना, सिर्फ वो बेफर्ट्स वो सभी खाए है ना। हाँ, क्योंकि हमें ना जगह ही ढूंढ रहे थे कि इधर खाएंगे पर जगह ही नहीं मिल रहा था हमें। यस, सो मम्मी परफेक्ट है ना ये वाली जगह। हाँ, मम्मी को तो कहीं भी बिठा दो मम्मी खा लेगी। मम्मी अपना खाने वाला थैला लेके आई है। इतना सारा खाना मम्मी लेकर आई है। खुशबू, हाँ? कितने समय के बाद बाहर बैठ के ऐसे तू खा रही है? बहुत ही समय के बाद, 4 साल बाद खा रही है ना। हाँ। हम जब अगली बार गाड़ी से आए थे तब हमें ऐसे बैठ कर खाए थे ना। हाँ। पर हमें पेड़ नहीं मिला उसका हमें बहुत ही दुख है, बट कोई बात नहीं, मतलब छाया तो है ना। मम्मी बना के लेके आई है ये आलू फुलावर की सब्जी, फिर लेके आई है पूड़ी और लेके आई है मरचा का भजिया। वाह वाह, टेस्टी टेस्टी लग रहा है ना। हाँ, ये सारा खाना है ना अगर बाहर ऐसे बैठ के खाने तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। ये तो पिकनिक हो गया हमारा, मिनी पिकनिक। हाँ, मिनी पिकनिक। क्या अचार, मिर्ची का अचार। हाँ। फटाफट से फिनिश कर लेता हूँ मैं अपना ब्रंच और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बॉडी में लग रहा है तेरा पैर, तू चुप रह ठीक है। अभी खुद 5 मिनट पहले लड़ रही थी कि मुझे जगा दो और एडजस्ट करना सीखो सिखा रही है। हाँ, तो अभी 10 मिनट में है ना मैं आगे वाली सीट पे आने ही वाली हूँ। मैं नहीं आने देने वाला हूँ, कितनी मुश्किल से मुझे ये वाला सीट मिला है मम्मी से, क्योंकि मम्मी पीछे जो है वो सोने गई है तो मुझे आगे वाला सीट मिल चुका है। अब मैं अपनी स्पेशल सीट किसी और को देने वाला नहीं हूँ। वैसे भी पापा ने बोला है कि हर कोई 10-10 मिनट बैठ जाएगा, ठीक है? नहीं, पापा नहीं बोलेंगे, मैं हटूंगा तभी ना कोई आ पाएगा इधर। कितना वॉशरूम जाना होता है तुम लोगों को, हर 5-5 मिनट में वॉशरूम जाना है। मैं नहीं जा रही, मैं तो पानी भरने जा रही हूँ। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है मुझे, कहाँ तू जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अरे यार सच्ची बोल रही हूँ, मैं पानी भरने जा रही हूँ, देखो पानी है ही नहीं। हाँ, पानी मत भरो ना, पानी भरोगे ना तुम लोग वॉशरूम जाओगे। दे दो मुझे बॉटल्स। हाँ तो ले जाओ फिर, आप भर दे दे। हाँ ठीक है, दे दे, नहीं भरना पानी, जा ले। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ले जा। अच्छा पानी मिल गया है ना मम्मी, मिलता है तो अच्छा है ना। हाँ सही बात है, बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है, ऐसा नहीं कि गरम गरम। खुशबू, साउथ इंडियन छोड़कर बाकी सब कुछ है, पिज्जा बर्गर नूडल्स मंचूरियन पायल की फेवरेट पाव भाजी सब कुछ है। मैं तो वही खाऊंगी और मैं नूडल्स खाऊंगी। ठीक है तो चलो फटाफट से उतरो। चलो 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 चलो। आई देखो खुशी, देखो बहुत समय के बाद खाना मिल रहा है ना। हाँ, और गाइस देखो एक बात बताऊं। बोल। देखो मेरी टी-शर्ट भी पिंक है, मेरी कैप भी पिंक है, मेरी शूज भी पिंक है। ये बताने का जरूरत था? हाँ। नहीं लग रही है ना? नहीं। चल झूठी लग रही है, मैंने स्वेटर पहना है फिर भी ठंडी लग रही है मुझे। तो फिर मुझे नहीं लग रही क्योंकि मैं कैप ये अपना जैकेट सब पहन के आई हूं, सॉक्स और सब कुछ। मम्मी तो आते आते बोली कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। करो ना इसको कंप्लीट करने के लिए, मैं अकेले ये नहीं खा सकती। खाना पड़ेगा, तूने मंगाया है तो तू खाएगी। नहीं यार, खुशबू मेरी बहन प्लीज। नहीं, मैं बहन नहीं हूँ मेरी। ना ना करके सारा खा गई है पायल। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और डिश देखो पूरी साफ। तो तू छुपा रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि तेरे हाथ दोनों है ना खिज्जे में, इसलिए। पर किसी को नहीं बताएगा ना? नहीं बताऊंगा, बता मुझे। ये देख। ओहो मुखवास चोर, हमेशा हर एक होटल में जाते ना तो ये लोग यही करते हैं। मैंने पूरा 2-2 चम्मच भर के मुखवास ले लिया। ये क्यों भागते भागते आ रही है, ये क्या कर रही हो तुम लोग, शर्म है तुम्हें कुछ? शर्म है 1000 रुपए का खाना खाया है, बहुत कम है। अब से किसी भी होटल में गए ना मैं तुम लोग के पास मुखवास आने नहीं दूंगा। तो बोलते वो टूथपिक नहीं था, वरना हम वो भी लेके आते। मम्मी आप अपना हाथ दिखाओ तो मुझे, सब खा के आई हो ना, सच सच बताओ।
मुझे अभी अभी पता चला है इन लोग के जितना आपने भी लिया था उधर ही खा ले पूरी कटोरी का। खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आई ना कि मैं तो डायरेक्टली ना गाड़ी में आकर ना सो गया। भले मुझे जगह मिली कि नहीं मिली, इतनी सी जगह में ही सो गया, लेकिन अब मुझे ना नींद अब नहीं लगने वाली है 2-3 घंटों के लिए। यहाँ पे ना मम्मी सो रही है गाइस, देखो कैसे सो रही है, और यहाँ पे सो रही है पायल, सो जा उठ मत सो जा, और यहाँ पे सो रही है खुशबू। खुशबू ने तो अपना है ना पीछे जगह जो है वो बना ही लिया, इधर उधर बैग है ना करके। सुबह तो उसको जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन देखा कितनी स्मार्ट है, सोना है ना तो जगह बना ही लिया कि मुझे तो कम्फर्टेबली सोना ही है।